7 9 6 जल्दी पहुँचा कर पहले मिलवाएंगे तो डलवा लूँ मुझे कौन सी कर रहे थे क्या आप? हाँ हाँ अनुज बताऊँ हाँ चलो देख लीजिए 7 8 के पास भी आई का है। चल देख लीजिए केवल आपके लिए किसी के लिए नहीं हुआ मतलब कि आपने हमें आप बहुत ही 0% होगी फ्लैट और के लिए पूरी करके 1200 रुपए सकते हैं सर बुकिंग तो हाय दोस्तों मैं विकास आप सभी का एक नए ब्लॉग में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज दिन हमारा वीरवार का और टाइम हो रहा है अभी फिलहाल 12:04 और रैपिडो में गाजीपुर के लिए एक राइड बजी है। देखो ये सच्चा है या झूठ पिकअप लोकेशन में पता चलेगा जाके कि ये मेरे साथ रोते हुए सपना है या जागते हुए सपना है। देखो आ रहा ना यार लंबी लंबी राइड फेक भी हो जाती है वहाँ जाके फिर पता चलता है भैया हमने तो किया ही नहीं है ना। फिलहाल चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। लो भाई इधर कौन सी डेस्टिनेशन है हम तो लोकेशन पे आ गए बाकी देखते हैं क्या होता है सही है झूठ। ओह माय गॉड हो गया काम कॉल नहीं लग रहा भाई। ओह माय गुडनेस हो गया काम ओह लगा तो फाइनली। हेलो मैम रैपिडो किया था आपने? हाँ मैम लोकेशन पे ही हूँ आपके। देखो कितने किलोमीटर करता भाई आंगनवाड़ी पिन बताइए 7 9 7 9 डेढ़ घंटा बस 37 किलोमीटर। मैडम देखो एरोप्लेन तो है नहीं बाइक है जितनी कोशिश हो सके मैं उतनी जल्दी पहुँचाऊंगा। आप शूट करते हो क्या? हाँ ब्लॉगिंग करता हूँ। तो दोस्तों 37 किलोमीटर 1 घंटा 37 मिनट हाँ ठीक है। तो पहले हम पेट्रोल डलवाएंगे डोंट माइंड मैं पेट्रोल डलवा लूँ थोड़ा क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस जाएंगे ना। नहीं 450 450 बार कोड दो एक ठीक है थैंक यू। लो भाई 450 का मुझे मिला है 437 ठीक है भाई। लंबी ट्रिप देखे कितने किलोमीटर चली मैडम ने घुमा दिया था मैंने तो ये चलिए हमारी भाई 47 किलोमीटर चलवा दी इसने जहाँ 37 10 किलोमीटर बढ़वा दिया। चलो मैं क्या है अब भाई टाइम हो गया हमारा 2:04 तो हम उसको कर देते हैं ऑन ओला करते हैं सॉरी उबर ऑन और ऊबर कर देते हैं ऑन ठीक है। चलो बाकी कोई अपडेट होती है तो मैं बताता हूँ ठीक है। अभी आनंद विहार के पास ही है पड़गंज बगल में ही है तो मैं भी सोच लू वही चला जाऊँ। लास्ट टाइम गया था तो गुड़गावा के मिल गया था बाकी अब देखो आज किस्मत क्या है ठीक है अपडेट होता है। आवाज आ रही सर? हाँ बस वही बता रहा हूँ 1 मिनट देख के मैं आपको 3 मिनट दिखा रहा सर 3 मिनट 3 मिनट दिखा रहा सर 3 मिनट आ रहा हूँ सर देखो किधर बताता। हाँ तो बताना भूल गया अभी फिलहाल 1 घंटा वेटिंग करने के बाद है ना ओखला फेज 3 के लिए मिला राइट वो भी उबर में भाई। मैं तो सोचा था आज बजेगी बजेगी मगर ना बजी भाई तो अभी बजी है 154 का अमाउंट दिखा रहा है। देखो यहाँ से निकलो भाई यहाँ तो फिर वही आता है टाइम वेस्टिंग वाला टाइम। अब 1 घंटा तो वेट कर ही लिया कितने घंटे वेट करूँ रात तक वेट ही करता रहूँ और हाथ में क्या लेके जाऊँ ठुल्लू तो ऐसा तो लेके नहीं जाएंगे। तो फटाफट पहुँचते कस्टमर को 3 मिनट दिखा रहा था पहुंच ही गया हूँ कस्टमर के पास और बस उबर मुझे कौन सी बाइक दूसरी आ गई 2886 होगी। देखो पिन कोड मत देखो ना फोन कर रहे थे क्या आप? मैंने फोन किया था बात हुई थी ना। हाँ 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 ठीक है अभी मैं करता हूँ ठीक ठीक क्या बताया था पिन सर जी पिन पिन 8306 बैठ गए सर चले भाई 18 किलोमीटर और 36 मिनट दिखा रहा उपलब्ध सर को ड्रॉप करते हैं देखते हैं क्या होगा।
155 सर, बार कोड दो। ओके थैंक यू। चलो भाई 155 करते हैं कैश कलेक्शन और चलते हैं 5 स्टार। ये 25 रुपए पता नहीं किस बात के माइनस के लगा रखा है यार, चेक करना पड़ेगा भाई। कितना मिलता है 155 का? 147 सही है भाई, 155 का 147 मिला, कुछ तो प्लस हुआ भाई। 122 147, क्या चीज है ये भाई, क्या दिक्कत है इसका? भाड़ में जाए मैं बात तो करूंगा पहले, फोन तो टिकट तो कर दी है, देखो कब टिकट मिलती है इसकी कॉल की। तो फिलहाल करते हैं रैपिड ऑन वजह रानी। तो अभी तक की हमारी कमाई जो हो चुकी है 400 और 500 570 के आसपास हो रही है, यहाँ से घर की दूरी। वेट करेंगे थोड़ा, फिर देखेंगे थोड़ा थोड़ा कि हमें मिलती है कि नहीं अग्नि राइट या पार्सल। कोई अपडेट होता तो बताता हूँ, अभी तो फिलहाल दोस्तों ज्यादा वेट करना नहीं पड़ा और करीब 10-15 मिनट बाद ही मुझे 3:40 हो रहा है और एक पार्सल बचा है उबर में पहाड़गंज के लिए। ठीक है, 40 मिनट की दूरी, 40 मिनट का ट्रिप दिखा रहा है, देखते हैं क्या है नहीं है, बाकी तो पहुंच के पता चलेगा। 3 मिनट अभी 4 मिनट दिखा रहा था, 4 मिनट की जगह 3 मिनट दिखा रहा है, तो बस पहुंचने वाले हैं कस्टमर के पिकअप पॉइंट पे और देखते हैं कि हमें पार्सल क्या मिला है ना। और एक और बात बतानी है, उबर से लेके भी कोई जानकारी है, ठीक है मैं बताता हूँ आप, ले पार्सल ले लो फिर। हाँ जी सर, ये कहाँ है? हाँ हाँ जी मैडम, हाँ उबर से ना। हाँ नंबर भी डाल देना उसमें। हाँ ये पेमेंट के लिए तो इन पे कॉल कर लेना, ठीक ओके। तो ये फोल्ड कर सकता ना? ओके थैंक यू। तो लो भाई मिले गया पार्सल, खतरनाक पार्सल अभी, बट ठीक है जैसा भी हो बढ़िया है। दिया हमें पार्सल यहाँ से 17 किलोमीटर की दूरी है, बहुत जरूरी। भाई इसके रूट से चलते पहले, मैं भाई जो रूट इसने बताया वो इसी पे जाएंगे। रूट को क्या क्या आता है? बंद हो जाए भाई टैंक। तो हाँ जी दोस्तों अब आगे है टैंक बताने का, बाकी तो देखते हैं 17 किलोमीटर का पार्सल में कितना मिलता है। 40 मिनट दिखा रहा है, 4:30 बजे तक। तो बात ये थी मुझे दिखा 25 रुपये उबर में, ठीक है मैंने भाई टिकट अरेंज कर दी माइनस, मैं तो लगाया भी नहीं मैंने कुछ है और 25 रुपये कैसे आ गया। तो कस्टमर केयर का फोन आया मेरे पास, मैंने उनसे वार्तालाप कर रही कि मैम एक बार बताइए ये मुझे 25 रुपये क्यों माइनस दिख रहा है। उन्होंने बताया सर जैसे कि आपको पता है कि उबर कंपनी में 0% का चार्ज चल रहा है, ठीक है तो जिसमें 20% हम लोग देते थे, 5% कंपनी को देते थे मतलब गवर्नमेंट को देते थे, तो हर वो राइड पर करती थी, बट अब ऐसा नहीं है, आप दिन भर में 25 रुपये कटेंगे आपके, ठीक है चाहे आप एक राउंड मारो चाहे 10 ट्रिप मारो चाहे आप 500 ट्रिप मारो, आपके 25 कटेंगे, मैं 20 कंपनी का 5 उनका। तो एक ही बार कंपनी ने गवर्नमेंट ने इंक्लूड कर दिया हुआ शायद, मे भी कुछ भी ऐसा कुछ है। तो भाई ठीक है भाई, मैंने ये भी पूछा मैम ये कब तक रहेगा लागू, एक आइडिया? उन्होंने बोला सर हमें भी कुछ आइडिया नहीं है कि कब तक चलेगा, ठीक है। और भाई सर मैं तो चले दिन भर में 25 रुपये तो काटेगा ना, 25 तो काटेगा काटेगा, जो काटते हैं कमीशन वो 155 का मुझे 147 मिला, तो 5 रुपए तो उसने काट लिए, 7 रुपए तो काट लिए ना भाई। तो यही चीज है, यही क्वेश्चन हुआ था और यही आंसर मिला है मुझे। अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में करके पूछ लेना आप मुझसे, या फिर आप ऐसा करना कमेंट में क्या पूछोगे, आप खुद कस्टमर केयर पे टिकट अरेंज करके कॉल बैक करवा लो और जो भी इन्फॉर्मेशन है वो जानकारी ले लो। अगर आपको कोई डाउट लगता है और डाउट भी लगता है तो आप अपने भाई से पूछ सकते हो, ठीक है जैसा भी होगा मैं बता दूंगा, जैसा भी होगा जो मैंने सुनने में आया है वही मैं बता रहा हूँ,
ठीक है, फिलहाल डॉक्टर तो मिलते हैं, कितना मिलता है हमें? हाँ हाँ कुरियर से, आई डोंट नो कुछ भी नहीं, हिमांशु के नाम से। हाँ हाँ जी सर, ले गया वो भाई साहब। हाँ ले गए वो, कहाँ हुआ तभी तो फोन किया है। 183 रुपए हुए। हेलो हेलो, 183 रुपए, 183 रुपए। हाँ आप कहाँ से बोल रहे हो? हिमांशु से, हिमांशु बात कर रहे हो? अच्छा नहीं नहीं उनसे बात कर रहे, ठीक है। हाँ मैडम दे दिया कोरियर। हाँ डिलीवरी हो गया, पेमेंट कर देते 183 रुपए। हाँ 183 रुपए, नहीं उन लोगों ने नहीं की, आपको फोन नंबर लिखवाया था ना मैंने, उसी पे कर देना। देखते हैं भाई डिलीवरी तो कर देते हैं, 183 का हमें। अरे बच गया, कटवा देते हैं रुपये, डिलीवरी कर देते हैं और अमाउंट हमारा दिखता है 183। वाह बहुत बढ़िया भाई, 11 रुपये करीब तो दे दी हम लोग। बट देखते हैं अभी क्या होता है। फाइनली हमने मैडम को ड्रॉप कर दिया, बट मैडम ने कहा मुझे आप वीडियो में मत लेना, तो जो तुम आपको पैसे को बिना परमिशन के हम किसी को वीडियो नहीं लेते हैं। मैम ने कहा मुझे नहीं चाहिए, तो हम नहीं लेंगे मैडम को भी फिल्म। और जो मैम को हमने ड्रॉप कर दिया, तो अभी हमारा जो 70 रुपये का कैश कलेक्शन, अब देखते हैं हमें कितना मिलता है। 70 रुपीज़ में 5 स्टार देते हैं, डन करते हैं, राइट टू एक्टिव। ये होगा 500 रुपये का अर्निंग, तो मुझे कितना मिला है भाई? 63 रुपये। चल भाई 7 रुपये कटे हैं, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब भाई ये घर का लोकेशन फिर से ऑन करेंगे हम। ओके तो घर का तुमने दिया नहीं? हाँ ये भी थोड़ा पास कर दिया, थोड़ा वेट करेंगे ठीक है। और बैटरी हो रही है कैमरे में कम, मोस्टली कोशिश करेंगे जितनी जल्दी से जल्दी हो सके प्ले करें। तो अभी फिलहाल हो रहा है 5:35, हमारी अर्निंग हो चुकी है इसमें। हेलो हाँ हेलो, अरे बोलना, मैं घर पे दिखूंगा तुझे इस टाइम। 9667 वाला 13, हाँ 42-13। तो भाई अभी तक जो कमाई हुई है हमारी हुई है, ये क्या है, 805 रुपये की कमाई हुई है ठीक है। अब देखते हैं, वेट करते हैं क्या बचता है, रेड बचती है परसों बचता है। यहाँ पर मोटर भी ऑन कर देते हैं, शायद मे भी अराउंड हमारे घर तक का दे दे ये मोटर रानी, है ना। चलो वेट करते हैं। तो अभी फिलहाल बैठा ही हूँ, तो एक गुड़गावा की बची, तो उसका मैं क्या करता, मिस करने दिया मैं, क्या भाग यहाँ से, तुम नहीं चाहिए। तो मैं आपको ओला की कमीशन की डिटेल्स बता दूं, जो जीरो कमीशन के साथ दे रही है ओला कंपनी। 1200 रुपये तक का आप कमा सकते हैं इसमें इंसेंटिव ठीक है। और जो मेरे पास नोटिफिकेशन है वो आपके पास भी आई होगी, लिखा है प्रिय ओला बाइक पार्टनर, ओला स्पेशल वीकली इंसेंटिव केवल आपके लिए, मतलब केवल मेरे लिए और किसी के लिए नहीं होता, सबके लिए, मतलब कि ऑल ओवर जितने भी ऑल ओवर ओला पार्टनर ड्राइवर भाई साहब है अपने। हमें आपको ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि अब आप 0% कमीशन के साथ होगी हाई डिमांड वाले प्लेटफॉर्म पर अधिक कमा सकते हैं। और इस सप्ताह के लिए 70 बुकिंग पूरी करके अतिरिक्त 1200 रुपये इंसेंटिव भी कमा सकते हैं, मतलब 70 बुकिंग हफ्ते भर में अगर आपने 70 बुकिंग कर ली, मतलब 70 राइड कर ली, तो आपको 1200 रुपये का कमीशन मिल सकता है। कैसे किस हिसाब से कमीशन मिलेगा मैं अभी बता देता हूँ। वीकली इंसेंटिव इस प्रकार है ठीक है, बुकिंग और इंसेंटिव। अगर आपने 25 करी तो 250 रुपये मिलेंगे ठीक है, 35 राइड करी तो 400 रुपये मिलेंगे, और 50 राइड करी तो 700 रुपये मिलेंगे, और 70 करी तो पूरे भाई साहब धमाका ऑफिसर, धमाका ऑफिसर, धमाका ऑफर। तो ये है भाई, 70 ऐड करो और 1200 रुपये कमीशन पाओ एक हफ्ते के अंदर। हाई डिमांड वाले प्लेटफॉर्म, जीरो कमीशन स्पेशल इंसेंटिव, यानी आपके लिए अधिक कमाई, टीम ओला। तो ये है भाई हमारी टीम ओला की तरफ से वीकली 1200 रुपये इंसेंटिव हर हफ्ता। 70 राइड करो, 1200 रुपये कमाओ। अरे भाई 70 तो 50 दे दे,
40 देते हो वही बड़ी बात है, ढंग से है ना भाई। पर ठीक है, आपने अपनी कमीशन ऑल ओवर अभी देखा जाए तो सब ने कमीशन डाउन कर रखा है, ऊबर ने कर रखा है, ओला ने कर रखा है, रैपिडो भी कर रखा है, बट वो क्या रहता है कि चार्ज ले लेता है पहले ही 4-5 दिन का, आप वो कहते हैं ना शिफ्ट सब्सक्रिप्शन। अरे पश्चिम बिहार का बदलो, पश्चिम बिहार का उठाओ, पश्चिम बिहार, ठीक है पश्चिम बिहार का उठाया हमने, और कहाँ से है हमारे भाई जी, रोड पे ही है सामने की तरफ, ठीक है तो कोई नहीं, इनको उठाते हैं और 3 मिनट की दूरी है, ठीक है मिलते हैं, चलो इनसे तो भाई ऑटो जी को बंद कर देते हैं हम फिलहाल, ठीक है इनको उठाओ। हाँ आपने बुक किए, किस नाम से है? अरे 8797 हाँ आ जाओ, आप ही हो, बैठिए सर, चलते हैं सर, 6:22 मिनट का रास्ता, चलो भाई कुछ ना कुछ करना चाहिए, कोई मजा आएगा भाई बनना तो, कोई मजा आएगा बोल रहे ना, ठीक थैंक यू भाई, पेमेंट हो गई ऑनलाइन, कितना मिला 57। तो भाई दोस्तों यहाँ से 11 किलोमीटर की घर की दूरी रह गई है हमारी, ऑलमोस्ट 57 रुपए मिले भाई 6.2 किलोमीटर का, बाकी कोई और अपडेट होती है तभी फिलहाल मैं बताऊंगा, और 6 बज चुके हैं हमारे जय भाइयों, 6 बज चुके हैं, कोई और अपडेट होती है तो बताता हूँ, बैटरी बहुत डाउन है। तो हाँ जी दोस्तों अब टाइम आ गया है हमारा टोटली हिसाब बताने का कि हमने टोटल कितनी राइड की है, कितने पार्सल डिलीवरी की है, ठीक है कितना हमारा पेट्रोल लग गया, कितने घंटे हमने काम किए और कितनी हमारी आमदनी हुई है पेट्रोल निकाल के जो हमने काम किया है, क्योंकि अभी मैं वहां से 11 किलोमीटर तो समझ लो खाली है, ठीक है और यहाँ से ऑलमोस्ट मेरा 3-4 किलोमीटर घर रह गया, क्या उल्टे उल्टे बज रहे तो मैं चल लूंगा। तो भाइयों बता ही देता हूँ क्यों सस्पेंस रखूं, है ना, तो 305 होता है हमारा उबर में, ठीक है जिसमें एक पार्सल और एक राइड थी, 17 किलोमीटर की 18 किलोमीटर की, और रैपिडो में होते हमारे 500 रुपए, ठीक है 57 रुपए हमारे होते हैं आपको ओला में, ऑटो तो आज किसी काम का नहीं रहा और किसी काम का भी नहीं रहेगा मुझे, क्योंकि इन्होंने जहाँ गुडविल 20 रुपए मिलते थे वो तो 10 रुपए कर दिए इन्होंने, पता नहीं क्या करेंगे, बट भैया हम तो हमारा भाई एक ऐप के भरोसे कभी नहीं बैठता भाई, कोई मुझे कोई घर चला के नहीं देता, एक ऐप भाई आप ये लो महीने का इतनी इनकम लो, तो भाई मैं क्यों पहनू किसी को, बार बार फोन आ रहे हैं भाई साहब आपने खरीदा नहीं है ये आपको 10 सेकंड नहीं चाहिए, तेरे 10 सेकंड हमें मिलता ही नहीं, तेरे 10 सेकंड हो जा रहा, ठीक है जब मिलना होगा हम 10 सेकंड बाद ही और ले लेंगे और। तो यही थी, तो हमारी टोटल अर्निंग हुई है 862 रुपए, ठीक है बात करें हमारा पेट्रोल कितना लग गया है, तो पेट्रोल लग गया पहला जो जहाँ 37 किलोमीटर की राइड थी वो पहुंच गए 47, 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल गई, उसके बाद फिर हमें मिली वहीं से अपना पड़पनगंज से 18 किलोमीटर के लिए ओखला फेज 3 के लिए, ओखला फेज 3 से फिर हमें एक बाई चांस हमें पार्सल भी मिल गया वहीं से ऊबर में ही 17 किलोमीटर का, और रेट भी बहुत बढ़िया मिला, ठीक है 184 का 188 दिया उन्होंने, उसके बाद फिर 8 किलोमीटर के करीब हमें वहाँ मिला यही पहाड़गंज से, पार्सल छोड़ने के बाद 2-3 किलोमीटर चला भी था भाई अराउंड 1 किलोमीटर मान लो, तो वो लिया हमने 8 किलोमीटर, उसके बाद फिर ओला में बच गया पश्चिम बिहार के लिए 6 किलोमीटर, और वहाँ से हमारा घर आ गया हमारा 11 किलोमीटर, तो टोटल जो किलोमीटर बाइक चली है हमारी 107 दिखा रहा है बट मैं 110, ठीक है 110 है हमारा, मैंने तब भी
105 के करीबी माल है, इतना उधर ऊपर करके। और तो हमारी टोटल अर्निंग में से हमारी जो टोटल अर्निंग थी, कमाई थी, वो थी 862 रुपये। और 862 में हमने 210 रुपये में माइनस करता हूँ, ठीक है। वैसे तो अब हम 220 करेंगे, 110 किलोमीटर तो बाइक चली गई है, 220 कर लेते हैं। तो 220 करा तो हमारा जो अर्निंग बचती है वो बचती है 642 रुपये। इसकी 650 रुपये हमारा। अब बात करते हैं कि हमने कितने घंटे काम किए। तो हमने जो राइड ली थी पहली, वो ली थी करीब आपका 12 बजे करीब, ठीक है। और अभी जो टाइम हो रहा हमारा 6:35, ठीक है, 6:40 तक पहुंच जाएंगे। कर 7 मान लेते हैं, 7 बजे तक हमने काम किया, घर पहुंचते पहुंचते 7 भी बज ही जाएंगे। तो 12 से 7 होते हमारे 7 घंटे, ठीक है। तो 7 घंटे में जो हमारी अर्निंग हुई है हमारी 642 रुपये की अर्निंग, ठीक है, 642 रुपये की सिर्फ, ठीक है यार, कुछ नहीं है तो कुछ सही। देखते, कहा जाता है कि जैसी किस्मत में होती है उतनी ही मिलेगी, उतनी मिली हमें 7 घंटे में 650 रुपये, कम नहीं, ठीक है, बढ़िया है। और यही है आज की आमदनी हमारी 8 घंटे में, सॉरी 7 घंटे में 642 रुपये की। तो आशा करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें मेरे भाई, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू वॉचिंग, बाय।